स्पेशली पाजी जो अपना मेरा ख्याल है बड़ी बीमारी में है मेरी वजह से इधर आ गए हैं, थैंक यू वेरी मच। मैंने काफ़ी देर से पीटीआई को ज्वाइन किया हुआ है 2004 से और मैं हमेशा पीछे रह के काम करता रहा हूँ जितनी देर भी मैंने काम किया है। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं पीटीआई के प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे खड़ा हूँ। हमने 2013 के इलेक्शन में यहाँ पे अपनी मदद के आते हैं मैंने ये ऑफिस बनाया था यहाँ पे और हर मुमकिन में इमरान खान और पाकिस्तान की सपोर्ट की थी। इधर से बैठ के मुझे जब भी लोग पूछते हैं कि तुम इतना इमरान खान के पीछे क्यों भाग रहे हो, मैं पहले सोचता था मैं क्यों भाग रहा हूँ, लेकिन आखिर में मुझे समझ आई कि इमरान खान भी पाकिस्तान के पीछे भाग रहा है। मैं इसलिए इमरान खान के पीछे भाग रहा हूँ कि वो भी पाकिस्तान के पीछे भाग रहा है। और नंबर दो जो मुझे सबसे ज्यादा उसने इंस्पायर किया वो ये था कि जब शौकत खान हॉस्पिटल बन रहा था और जब भी इमरान खान साहब तकरीर करते हैं वो कहते हैं जी मुझे सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अलावा जहां से सपोर्ट मिली वो यूके है। और मैं यही चाहता हूं कि जब दोबारा नया पाकिस्तान बने तो पाकिस्तान की सपोर्ट के बाद अगर वो किसी का नाम लोए तो वो फिर यूके हो और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। नंबर दो ये शौकत खान हॉस्पिटल से है, ये हजारों लोगों का हर महीने मुफ्त इलाज कर रहे हैं। मेरा मकसद इमरान खान के पीछे सिर्फ ये है, मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चों के कांधों पे बूट पॉलिश करने वाले बक्से हों, मैं उनके पीछे स्कूल के बैग देखना चाहता हूं जिस वजह से मैं इस प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूं। नंबर दो पाकिस्तान में सुहू बीमारी हॉस्पिटल नाम की कोई चीज नहीं है जहां पे गरीबों का इलाज हो सके। खुदा रहा इस तरफ इमरान खान को तवज्जो देनी चाहिए कि जितना भी हो सके इस काम पे तवज्जो दी जाए। नंबर थ्री पानी का इतना बड़ा पाकिस्तान में मसला है साफ पानी का, हमारी माओ बहनें सुबह सारा दिन पानी ढूंढने में सारा दिन उनका गुजर जाता है और सारा कराची माफिया पानी लैंड माफिया हर चीज है। बहरहाल ये तो छोटे छोटे मसाइल हैं जो मुझे इमरान खान की तरफ लेके जा रहे हैं। आप आते हैं इंदिरा पार्टी की तरफ, ये मीटिंग का जो इनकार किया गया वो इस वजह से किया गया है कि हम ज्यादा से ज्यादा मेंबरशिप करें और सबसे ज्यादा फोकस जो है हमारा आसम खान का है तो हम उसको इस इंट्रा पार्टी में ना सिर्फ लंदन का सदर मुकर्रर करवाएं ना बल्कि यूके का भी सदर की करने की कोशिश करें। ये ड्रीम टीम नहीं है, ये जो मीटिंग है ये ड्रीम टीम के तावन से हो रही है, ये एटम बम टीम है। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं अभी अभी इनके साथ मीटिंग कर रहा हूँ, ये रात को 12 बजे फोन कर देते हैं ये आ जाओ भाई कहाँ आ जाओ जी मीटिंग है। मैंने कहा यार पहले बताना, वो कहता हमें भी अभी पता चला। तो इस वजह से इसमें नई उल्फत जैसे लोग जो हर वक्त काम करने की धुन में सरशार है और जनाब आमर दुरानी की तो बात ही ना करे, मेरा ख्याल है उसने काम ही यही कर लिया कि सारा दिन मेंबरशिप और यही काम। भट्ट साहब है हमारे और उसके बाद इनकी सोशल टीम मीडिया टीम इतनी देर है कि फोटो उतरने से पहले मीडिया पे आ जाए। आप जब भी कभी देखेंगे यकीन करें मैं खुद हैरान हो जाता हूँ यार अभी तो मैं उधर था ये फोटो कहाँ से आ गई। तो बहरहाल आप लोग प्लीज मेंबरशिप करें जितनी भी ज्यादा से ज्यादा हो सकती है। नंबर तीन बहरहाल ये है कि सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आसम खान के बारे में ये बात करना चाहता हूँ, ये इंतहाई इंटेलिजेंट मैन है, बिलीव करें इसको यूके की जरूरत नहीं है ना यूके को इसकी जरूरत है। इस आदमी को सीधा पाकिस्तान जाना चाहिए और इमरान खान के साथ काम करना चाहिए, इसकी जरूरत पाकिस्तान को। इंटेलिजेंट
आप आधा घंटा इसके साथ बैठ के देख लें, बिलीव करें, आपको इंतहाई तहमल बुर्दबार किस्म का आदमी है। मेरा तो ख्याल है इससे अच्छा इस टाइम पाकिस्तान यूके में कोई ना कोई इसके कैलिबर का आदमी है, ये ड्रीम टीम हो या कोई और टीम हो। ज्यादा मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि जितना ज्यादा हो सके आसम खान को सपोर्ट करे। और आखिर में मैं अपना एक शेर के साथ टाइम खत्म कर रहा हूँ। ये मुझे इसलिए सारी तकलीफ हो रही है क्योंकि आज मैं सारा दिन बहुत बिजी था। मफामत ना सिखा जबरो नारवा से मुझे, मफामत ना सिखा जबरो नारवा से मुझे, मैं सरबख्श हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे। और इंशाल्लाह ड्रीम टीम इसी तरह यहाँ पे अपना काम करे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पे आकर हमारी हौसला अफजाई की। थैंक यू। रोमी मलिक जिंदाबाद, रोमी।